तो दोस्तों फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 1963 में आने वाली 10 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कि 10वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था बंदनी। ये मूवी 1 जनवरी साल 1963 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अशोक कुमार, धर्मेंद्र, नूतन इसमें मुख्य किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 35 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 65 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1,30,00,000 की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। 9वें नंबर पर थी गहरा दाग। ये मूवी 8 दिसंबर साल 1963 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे राजेंद्र कुमार, नूतन, माला सिन्हा इसमें मुख्य किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 38 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 70 लाख रुपए कमाई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1,40,00,000 की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। 8वें नंबर पर थी मुझे जीने दो। 16 अक्टूबर साल 1963 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे सुनील दत्त, माला सिन्हा, मुमताज इसमें मुख्य किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 82 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 80 लाख रुपए कमाई थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1,60,00,000 की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर फिल्म थी। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। 7वें नंबर पर थी शिकारी। 9 जुलाई 1963 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे नूतन इसमें मुख्य किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 40 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 90 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1,80,00,000 की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 6वें नंबर पर थी तेरे घर के सामने। 3 अगस्त साल 1963 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे देवानंद, नूतन इसमें मुख्य किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 40 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 5वें नंबर पर थी दिल एक मंदिर। 26 मार्च साल 1963 में आई थी ये फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे राजकुमार, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी इसमें मुख्य किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 82 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,10,00,000 रुपए कमाई थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2,30,00,000 की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 4वें नंबर पर थी गुमराह। 2 मई साल 1963 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे अशोक कुमार, सुनील दत्त, माला सिन्हा इसमें मुख्य किरदार नजर आई थी। इस मूवी का बजट तकरीबन 50 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,25,00,000 रुपए की शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2,50,00,000 की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते
हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। तीसरे नंबर पर थी फिर वही दिल लाया हूँ। ये मूवी 28 सितंबर साल 1963 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे राजेंद्र कुमार, प्राण इसमें मुख्य किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 65 लाख रुपए था, सॉरी माफ करना 45 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर थी साल 1963 में ताजमहल। 25 अगस्त साल 1963 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे प्रदीप कुमार, इसमें मुख्य किरदार नजर आए थे। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इसमें प्रदीप कुमार का जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि इस मूवी का बजट तकरीबन 45 लाख रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3 करोड़ 50 लाख की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। पहले नंबर पर थी साल 1963 में मेरे महबूब। 26 अक्टूबर साल 1963 में आई थी फिल्म। इसमें हमें नजर आए थे राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार इसमें मुख्य किरदार नजर आए थे। इस मूवी का बजट तकरीबन 40 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 6 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी भी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें राजेंद्र कुमार का जो किरदार था काबिले तारीफ था, बहुत ही लाजवाब था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी। लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों ये साल 1963 की वो फिल्में हैं जो कि टॉप 10 फिल्मों में शामिल थी। तो दोस्तों आपके इन सभी मूवियों में से कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिल्में नई हों या पुरानी, सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना